हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ गीता गुजरात से और वेलकम करती हूँ आपको अपने ही यूट्यूब चैनल गीतास ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड्स, देखिए कितने प्यारे प्यारे हिबिस्कस के फ्लावर खिले हुए हैं। आज मैं अपने छत पर वीकली रूटीन का काम कर रही हूँ, जैसे छत की सफाई करना और प्लांट में वीकली फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो भी डालना है वो मैं कर रही हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं हिबिस्कस के। ये डबल पेटल में है और सिंगल पेटल में भी है। और ये वाला वाइट जो है, इसकी कटिंग में मेरे मदरलैंड से लेकर आई थी गांव से 2 साल पहले। तो देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, ये डबल पेटल में है और इसमें बहुत सारी कलियां भी लगी हुई हैं। तो मैं इसमें क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ वो भी शेयर करूंगी। और ये है ऑरेंज हिबिस्कस, जिसकी बारिश में अभी मैंने इसका रूट प्रूनिंग करके रिपोर्ट किया था, लेकिन बारिश जब बंद हो गई उसके बाद इतनी तेज धूप निकली तो इसने सारे अपने लीव्स गिरा दी हैं। और देखिए इसी के पास में है ये जिसे कहते हैं कि, देखिए फ्रेंड्स, ये मिनी हिबिस्कस है जिसे चाइनीज हिबिस्कस कहते हैं। और इसके पास में है येलो वाला डबल पेटल में अभी इसकी कलियां आ गई हैं। और देखिए मैंने इसे सारे प्लांट को धूप ना लगे उसकी वजह से नेट का अरेंजमेंट किया है, लेकिन हमारे यहाँ भी बारिश तो नहीं लेकिन तूफान बहुत है, उसकी वजह से सारे नेट निकल गई है। इसे मुझे फिर से ठीक करना है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे टेरेस में साफ सफाई का काम कर रही हूँ क्योंकि प्लांट इधर उधर पड़े रहते हैं। देखिए ये मैं खुद ही कर रही हूँ, जो सफाई कर रही हूँ, मैं पूरे प्लांट्स हटाकर और ग्रो बैग्स हटाकर मैं सफाई कर रही हूँ। ये ग्रो बैग भी मैंने खुद ही बनाई है, जल्दी मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे ग्रो बैग को हटाकर मैंने सफाई कर ली है, झाड़ू लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी पोचा। ये देखिए एक रो में मैंने सारे सेट कर दिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ पोचा। सफाई करने के बाद में हम इसे अच्छे से साफ करके इसके ऊपर हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे फर्टिलाइजर। देखिए फ्रेंड्स, सारी सफाई हो गई है, मैंने पोचा लगा दिया है और जो भी आगे कटिंग थी मैंने सब हटा कर कर लिए। अब मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में मैं डालूंगी सीविड एक्सट्रैक्ट, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे यहाँ ये धनजायम गोल्ड के नाम से मिलता है और यह है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट में कितने ही सारे, और देखिए फ्रेंड्स ये है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट में आधा चम्मच ही ले रही हूँ। एप्सम सोल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। आधा चम्मच ही मैं इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो डाल रही हूँ 1 लीटर पानी में। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रेनुलर फॉर्म में भी आता है, लेकिन स्प्रे करने के लिए मैं लिक्विड फॉर्म वाला ही ले रही हूँ। ये बहुत ही गाढ़ा होता है इसलिए मैं कुछ आधा चम्मच से भी कम कुछ ही ड्रॉप्स में इसकी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ही पानी ब्लैक हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से सेक कर लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है समुद्र की खतपतवार से बनता है फ्रेंड्स। इसे हमारे प्लांट्स को बढ़ने में बहुत ही हेल्प होती है। इसमें माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बोरोम, बहुत सारे न्यूट्रंस पाए जाते हैं इसमें फ्रेंड्स। देखिए वीक में एक बार में सारे ही प्लांट्स में इस तरह से स्प्रे कर लेती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट में बायो एक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को बढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसकी रूट अच्छे से फैलती हैं और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। कोई जो प्लांट छोटे होते हैं, जिसकी प्लांट की पत्तियां छोटी होती है लेकिन फिर भी पीली होती हैं, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अभी मेरे पास ऐसा कोई प्लांट है नहीं, तो मैं आपको दिखा देती। तो उसको ऊपर ये मैग्नीशियम और सीवीड एक्सट्रैक्ट का दोनों को मिक्स करके स्प्रे करने से उसकी पत्तियां जो हैं लीफ यानी कि ग्रीन हो जाती हैं और जो भी नई पत्तियां निकलेगी वो ग्रीन ही निकलेगी। तो उससे आपकी अगर कोई प्लांट नया है, छोटा है, उसकी पत्तियां नई है फिर भी पीली आ रही है, तो उससे पता चल जाता है कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। और ये सारी है मेरे जो कटिंग्स मैंने गुलदाउदी की लगाई थी, इसे लगाए हुए शिफ्ट कर रहे हुए भी 15-20 दिन हो गए, तो मैं इस पर भी इसका स्प्रे कर रही हूँ। इसमें मैरीगोल्ड है, गुलदाउदी है, क्रिसैंथेमम है, सारी कटिंग मैंने इस तरह से शिफ्ट कर ली है और मैं इसमें सब में स्प्रे कर रही हूँ। क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाव की कटिंग का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे ही मैंने स्प्रे कर दिया है और देखिए ये हिबिस्कस कितने ही प्यारे लग रहे हैं। इतना छोटा प्लांट है फिर भी इतना अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।